एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल दिप्तिस पैराडाइज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा मेरे साथ, फिर हम चलते हैं दिप्तिस पैराडाइज में और क्या क्या हो रहा है आज का दिन हम देखेंगे। और अभी मैं निकल रही हूँ साड़ी लेने के लिए, जो घर में मेहमान आएंगे उनके लिए। जितने भी लेडीज आते हैं हम साड़ी ही उनको देते हैं और वो नया साड़ी पहन के वो शुभ कार्य करने में उनको अच्छा मानते हैं हम। तो मेरे बेटे का जो जनेऊ आएगा, जनेऊ या थ्रेड सेरेमनी होगा, तो वो फंक्शन में कुछ कुछ साड़ी, फिर बच्चों का ड्रेस, जो मेल रहते हैं उनके लिए शेरवानी, ये सब खरीदना भी जा रही हूँ। और आने के बाद मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। चलिए, ये हो गया सवेरे का टी और गरम गरम टी के साथ आज दिन शुरू हो जाएगा मेरा। तो टी थोड़ा लेंगे, हमारे स्वयं के लिए बोनवीटा भी बन गया है, दोनों हम मिलकर पी लेंगे, फिर बाद में काम शुरू हो जाएगा घर का। उसके बाद हम चले जाएंगे श्यामा को फिजियोथेरापी सेंटर लेकर, अभी कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको ऑफिस छोड़ देंगे। उसके बाद जब रिटर्न होंगे रास्ते में देखेंगे, थोड़े साड़ी और कुछ चीज़ें लेकर आ जाएंगे। सेरेमनी नज़दीक आ रहा है, बहुत कम टाइम हमारे पास है, मेरे पास हस्बैंड नहीं रहते, तो जो भी काम होता है मुझे अरेंज करना अच्छा लगता है ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और अभी जा रहे हैं हम हमारी बेटी श्यामा को ऑफिस छोड़ने, उनका तो एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा वो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बोले हैं कि नेक्स्ट वीक तक वो चला सकेंगे। अभी भी उनको अलाउ कर दिया गया है। अभी ऑफिस जाते वक्त उनको एक याद आ गया कि एक आइस पैक लेंगे, तो कभी नी में पेन होता है तो उनमें वो काम आएगा, दिखा रहे हैं वो भी। तो बहुत खुश है, अभी रिकवर हो रहे हैं पूरा आराम से, पूरा 99% रिकवर हो गया है। अभी वो गाड़ी चलाकर अभी अपने आप वो गाड़ी ड्राइव करके ऑफिस जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी भगवान हडल देते हैं उसमें आप क्वाइटली और कामली पेशेंसली आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलता है, मेरा ये मानना है। उसके बाद देखिए जो चीज़ें मैं लेकर जा रही हूँ, ये मेरा दूसरा घर है, ये एक अपार्टमेंट में मेरा फ्लैट है, और जो जनेऊ में यूज होगा थ्रेड सेरेमनी में वो सब सामान वहाँ में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि वहाँ हमारा वो जनेऊ का सेरेमनी होगा, जो मंडप यहीं पर होगा। हम ख़त्म हुआ तो ये सब चीज़ें रखे गए हैं। ये एक बेडरूम, अंधेरा छाया हुआ है, ये कुछ करके गए हैं, ये पूरा कलर किया गया है, ये जो ये सब इसको भी कलर कर दिया गया। और ये एक बाथरूम, इसमें लाइट है या नहीं पता नहीं, यहाँ एक बल्ब डालेंगे। ये एक बाथरूम, अच्छा सा है पूरा घर, बहुत सुंदर है। और ये हुआ है, थोड़ा काम इधर उधर करके गए हैं, मुझे करना पड़ेगा, पानी कहाँ से निकल के आ गया है यहाँ। और ये बालकनी, तो बालकनी का हालत ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा बालकनी है पूरा यहाँ तक, यहाँ वॉशिंग मशीन रखते हैं जो रहते हैं यहाँ, सब क्लीन करके गए हैं। ठीक है, फिर चलते हैं घर घर में। इस तरह ये हॉल है, बहुत बड़ा हॉल, देख पा रहे हैं पूरा, बहुत बड़ा सा एरिया है पूरा, यहाँ किचन और दो बेडरूम उसके अंदर, यहाँ ये जो कॉमन टॉयलेट ये, और ये दो बेडरूम, इस तरफ एक, इस तरफ एक,
बहुत अच्छा लगता है। बालकनी का दरवाजा बंद करेंगे फिर निकल जाएंगे। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको इस तरह, देखिए कितना सुंदर ये माँ अपार्टमेंट है, बहुत मेंटेन किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गिर रही थी। चलिए फिर जाते हैं, बंद करेंगे। ये सब दरवाजे भी कलर कर दिया गया है। यहाँ थ्रेड सेरेमनी होगा, इस घर में मेहमान सब रहेंगे। और ये भी कर दिया गया है कलर ये दरवाजे को, फिर की दोनों दरवाजा बेडरूम का। और ये भी ये किचन का भी सब कर दिया गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर देखेंगे, चलते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ। वो मेरा वो घर में जाएंगे, अपना घर जो जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे। अभी और थोड़ा सा काम है, एक चूल्हा लेकर आऊँगी, नया ही सब चाहिए होता है। आ गया बजाज का ग्लास कवर वाला चूल्हा, दो बर्नर वाला ये है, और एक चपबोर्ड, और दो चाकू भी लेकर आई हूँ। घर में पहुँचते ही मैं पास्ता बनाई हूँ, बेटा मेरा स्वयं जो डिमांड किए तो, और लंच बनाने को टाइम भी नहीं था, 1 o'clock हो गया था दोपहर का, तो थोड़ा चाय भी मैं बना कर पी रही हूँ क्योंकि बड़ी जोर से भूख लग रही थी। बिस्किट के साथ चाय भी ले ली हूँ। फिर उसके बाद हम पास्ता बनाकर लंच खा लिए, इसको ही लंच के तौर पर खाए क्योंकि और टाइम भी नहीं था, इतना भूख हो रहा था। आज लंच में यही बन रहा है, और ये मैकरोनी तो ये और मेयोनीज के साथ हम खा लेंगे क्योंकि आज टाइम भी नहीं है। देखिए 1:15 हो रहा है। अभी अभी मैं बेटी को ऑफिस छोड़ी, और उसके बाद मेरे जो घर में जो जनेऊ का थ्रेड सेरेमनी का जो सामान है वो पहुंचाया। फिर रास्ते में आकर थोड़े चीज़ें मार्केट से ली हूँ, फिर बाद में आकर अभी बना रही हूँ। तो बहुत ही टफ रहा, चल रहा है ज़िंदगी यहाँ अभी तो। टफ चलने पर ये नहीं है कि थक जाएंगे, हार जाएंगे, जो मन लगा कर काम करेंगे, धैर्य रख के काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, मैनेजमेंट करके काम करेंगे, प्रोग्रामिंग करके काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कोई भी काम में असफल नहीं होंगे, हमको सक्सेस मिलेगा ही। तो थोड़ा ज़रूरत है कामनेस और थोड़ा पेशेंस की, और हो जाएगा काम। प्लेटिंग अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ें। तो देखिएगा मैं अभी प्लेटिंग कर रही हूँ, और कल भी जो मेरे भाई आए थे उनके लिए भी मैं प्लेटिंग की हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है, प्लेटिंग हो गया है। चलिए बेटे को दे देते हैं। फोक लेके भी दे देते हैं। बेटा आपके लिए, बेटा बेटा आपके लिए आ गया, ले लो। अच्छा लगा? आपको पता है कि हमारे उड़ीसा में एक COVID-19 का शिकार हो गया। स्कूल बंद, सब कुछ बंद हो गया है, जो सोशल गेट टुगेदर बंद कर दिया गया है। यस्टरडे मेरे एक भाई आए थे, तो उनके लिए मैं खाना बनाई थी, तो इस तरह प्लेटिंग की हूँ। चाहे आपके घर में कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ा सा भी क्यों ना हो, आप अच्छी तरह बनाकर प्लेटिंग सुंदर कर दे दो, खाने में मज़ा आ जाता है। ये रहा इनविटेशन कार्ड, से लिखा दिया इनविटेशन कार्ड,
कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और बाद में आप लोगों को भी इनविटेशन में दे रही हूँ, मेरे ब्लॉग में आइएगा, फिर देखिएगा, मेरे बेटा को आशीर्वाद कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी निकल रही हूँ और ये रहा मेरा पर्स और हम निकल जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:05 इवनिंग ये चल रहा है, तो फिर चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा पानी पीकर चली जाती हूँ, नहीं तो क्या कहीं पर भी पानी पीना इतना सेफ्टी फील नहीं होता मुझे। एक बोतल है, मैं जा रही हूँ मार्केट में, पहले तो साड़ी खरीदना है, तो साड़ी के लिए मैं कला मंदिर रॉयल से लेकर आऊँगी, फिर चलते हैं, तो मैं उस तरफ जाऊँगी। फिर उसके बाद एक ग्राइंडर भी लेना है, जो मिक्सी बोलते हैं, तो वो मिक्सी के लिए भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर राज इलेक्ट्रॉनिक्स जा रही हूँ। और थोड़े थोड़े काम मार्केटिंग का निकलता ही है, कितने भी आप काम कंप्लीट क्यों ना कर ले, दूसरी बार आपको काम ही निकल आता है तो मार्केट जाना होता है। तो ये इतना बड़ा फंक्शन जब आ रहा है, इतना जल्दी तो काम ख़त्म नहीं होने वाले जब तक डेट पूरा ना आ जाए, इस तरह मुझे दौड़ भाग करना पड़ रहा है। तो अच्छा भी लग रहा है, अपने बच्चे के लिए करेंगे नहीं, अपना फैमिली के लिए करेंगे नहीं, तो किसके लिए करेंगे, भगवान का दया जरूर रहना चाहिए। फिर मैं रिटर्न हो गई थोड़े देर के बाद सब सामान लेकर आकर। अभी देखिएगा मेरी बेटी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस जा रहे हैं, मैं उनको छोड़ने के लिए जा रही हूँ, तो मैं पीछे बैठी हूँ, लेकिन वो अभी कार ड्राइव कर रहे हैं, उनको डॉक्टर अलाउ कर दिए हैं, चला पाओगे, आप फिट हो गए हो, तो ट्रायल बेसिस पर हम जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर भी हमारा उसके साइड सीट पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा गाइड कर रहे हैं, लेकिन बेटी तो आराम से चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन थोड़े दिन लग जाएगा, अभी हटा तो उनको नहीं दिया जाएगा, एक महीने के बाद ज़रूर वो लेकर जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, भगवान जब ब्लेसिंग करते हैं तो बहुत अच्छी तरह करते हैं, कभी हर्डल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएंगे, हर्डल तो आते रहेंगे, उसको पार करना जो ट्रिक होना अपने अंदर ज़रूरी है, तो अच्छी तरह आप पेशेंस लेके आगे चलोगे तो भगवान ऐसे भी मुसीबत जिस तरह देते हैं उस तरह पार भी करा देते हैं, मुसीबत टल जाता है, तो विश्वास अपने ऊपर रखना चाहिए। तो फिर तक था हमारा जर्नी और यहाँ वीडियो खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन पर जाइए और मुझे मेरा जो वीडियोस देखते रहिएगा। तो फिर यहाँ रुक जाती हूँ, इजाज़त दे दीजिएगा, कल एक नया वीडियो के साथ मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रांग, नमस्कार, जय जगन।